जैन दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटी पास आउट कैंडिडेट का हमेशा से डीएमआरसी में जॉब करने का सपना रहा है दोस्तों। डीएमआरसी आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए हमेशा से टेक्नीशियन के पोस्ट वैकेंसी निकालती है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं। बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहती है आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए। आज फिर डीएमआरसी की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन के पोस्ट रिक्रूटमेंट निकली है, लेकिन आईटी कैंडिडेट का जो रेगुलर कैंडिडेट है उनका सपना चकनाचूर हो गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर पाए, क्या कंडीशंस है, इस बार पूरी जानकारी देखेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कई सारी वैकेंसी आप सभी के लिए हमेशा अपडेट करते रहते हैं। जो भी वैकेंसी है उसको चेकआउट कर लीजिए, अनिल सर आई टी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर पाए। जो जो नई वैकेंसियाँ होती है उसी का लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी देखिए तो डीएमआरसी का रिक्रूटमेंट है, झारखंड आई टी इंस्ट्रक्टर का है, मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू का है, नेवी का है, और भी कई सारे अपडेट्स हैं, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। हाँ, देख लेते हैं डीएमआरसी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस बार जो वैकेंसी अभी निकला हुआ है दोस्तों, फिलहाल ये डीएमआरसी की तरफ से, जिसमें जो डेपुटेशन है और पोस्ट जो रिटायरमेंट है उनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, वही परमानेंट जॉब नहीं है, ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, जो रिटायर है कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल रिटायरमेंट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। शायद कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आपको दूसरी वैकेंसी निकाली है जिसमें रेगुलर कैंडिडेट अप्लाई कर पाए हैं, लेकिन फिलहाल जो रेलवे, इंडियन रेलवे कहीं पर भी जो या सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट कहीं पर है, वहाँ से और कहीं से भी अगर आपने रिटायरमेंट लिया हुआ है या कहीं से आपने डेपुटेशन कराना है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए, डीएमआरसी का एक जो नया प्रोजेक्ट है वो मुंबई में काम चल रहा है, जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए, आप देखिएगा तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है आईटीआई कैंडिडेट का ही है, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिएगा, और टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन में 10th या 12th पास आउट होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, कहीं से भी हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो उससे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए। डिप्लोमा के लिए भी है, देखिएगा तो डिप्लोमा के लिए भी सुपरवाइज़र में है, और यह डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, और यहाँ पर सुपरवाइज़र में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में रोलिंग स्टॉक है, ENM है, ट्रैक्शन है, SNT है इसमें देखिएगा तो, और सिविल ट्रैक है और ऑपरेशन में है, यहाँ पर दिखाई देगा छः जगह पर, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ENM में देखिएगा तो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन, सभी जगह पर ITI इलेक्ट्रीशियन ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ अलग ट्रेड है, SNT में SCVT, NCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTS है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक कम ऑपरेटर, हार्डवेयर रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक है। नीचे आएंगे तो आपको सिविल ट्रैक में दिखाई देगा, फीटर वाले भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिविल एंड ट्रैक में फीटर, लिफ्ट एंड एक्सलेटर मैकेनिक इससे है, और ऑपरेशन में देखिए तो BSc वालों के लिए, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, ये सभी तो पोस्ट हैं, लेकिन जो वैकेंसी है वो डेपुटेशन और पोस्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कोई जॉब थे और वहाँ से रिटायर है, डेपुटेशन कराना है तो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ऐसे ही यही पोस्ट पे, सेम एटिस पोस्ट पे रेगुलर कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलती है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। शायद इस साल निकाला जाए, इस साल आने वाला तो था, लेकिन ये वैकेंसी आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल और डिपुटेशन के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको एक रेगुलर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली जा सकती है इसमें, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, जैसे कि आप बार्क में देखें, बार्क की वैकेंसी थी, DRDO की थी, ISRO की थी, उसी तरह DMRC की भी तरह से निकलती है और इसका भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एज का जो लिमिट है देखिएगा तो 55 साल रखा गया, डेपुटेशन का 62 साल, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है रिटायरमेंट का उनका है। यहाँ पर देखिएगा तो सैलरी बहुत ही अच्छी खासी मिलती है, सुपरवाइज़र में देखिए डिप्लोमा के लिए तो 50,000 तक का बनता है,
है, रिटायर्ड 56,265,772 तक का देखने को मिलता है। टेक्नीशियन देखिए तो 29,839,244,56,200 तक की सैलरी बनती है, अच्छी खासी है। लेकिन जो रिटायरमेंट है उनका है ये, लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट होंगे लगभग इससे थोड़ा सा कम आपको सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इसका जो फॉर्म है भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म जो है ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है और इसको फॉर्म को भेज देना पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है, या तो आप यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव एचआर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो भवन ब्रिज फायर ब्रिज लेन बारखंबा रोड नई दिल्ली आपको पोस्ट कर देना है। या आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे जो है ईमेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इस एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, जो भी है एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके, और इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे देखिएगा तो 5 तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सभी यहाँ पे अटैच करके भेजेंगे। इस बात का ध्यान रखिए इस पर रेगुलर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको बताया जा सके कि वैकेंसियाँ जो है दिल्ली मेट्रो की तरफ से रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको। तो आप तैयारी जारी रखिए, इसमें जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। रेगुलर कैंडिडेट के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है, टेक्नीशियन के पोस्ट पे। और इसकी वैकेंसी इसी साल आपको देखने को मिल जाएगी, इसका सिलेक्शन होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक जो वैकेंसी है उसका अप्लाई कर सकते हैं। DMRC का झारखंड रिक्रूटमेंट है, झारखंड IT इंस्ट्रक्टर का, बिहार IT इंस्ट्रक्टर का है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का है, रेलवे अप्रेंटिसशिप है, मारुति सुजुकी नोबल डॉकयार्ड CCL भेल DRDO जैसे अप्रेंटिसशिप भी देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिए, अपडेट मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल सर IT ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए।